जिभ्या पर अग्नि का वास है, सर्वाधिक ऊर्जा शक्ति बड़ी अग्नि कहीं है तो वो जिभ्या पर ही है, रसना पर ही है, ये संलग्न है। अन्न में, फल रस में, वाणी व्यवहार में, विचार में, कभी थकती नहीं हमारी जिभ्या। जिभ्या पर निरंतर चैतन्यता है, चखने में लगी है, नासिका सूंघने में। कभी कभी इस पर का सुख तो हमें कहां तक ले जाता है। काम की प्रचंडता और क्या है, स्पर्श का ही तो सुख है। आपके पास सत्य का साधन रहे तो ये नियंत्रित रहेंगे, आपका स्वयं पर नियंत्रण रहे। आप जिस वाहन में बैठे हैं और कोई पूछे आपसे जा कहां रहे हो, और आप अनभिज्ञ हो, अजान हो, अपरिचित हो मार्ग से, आप यात्रा में हो और किसी वाहन में बैठे हो और कोई पूछ ले आपसे कि किधर जा रहे हो, जाना कहां है, और आप विवश होकर कहें हमें तो पता नहीं कहां जाना है। ये तो गाड़ी वाहन को पता होगा, चालक को पता होगा, हमारे सारथी को पता होगा, और हम फिर सारथी से पूछें कि भाई इन्हें लेके कहां जा रहे हो, और सारथी भी कहे हमें नहीं पता, जिधर अच्छा लगेगा वहां ले जाएंगे। मैंने किधर, बोले हमें भी नहीं पता। हम जिस वाहन में बैठे हैं, जीवन रूपी गाड़ी में जहां बैठे हैं, उसका चालक, उसका सारथी अगर ये रथ है, जैसा कि शास्त्र में कहा, शरीर इदम रथम, ये रथ है, इसमें हम बैठे हैं जीवन रथ में, न तो सारथी को पता है न रथी को पता है कि जाना कहां है, किस दिशा में, परिणाम क्या होगा, लक्ष्य क्या है। जिन्होंने लक्ष्य ही तय नहीं किया है वो पहुंचेंगे कैसे। छोटे छोटे लक्ष्य हैं हमारे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संग्रह संचय, भूमि विस्तार, अट्टालिकाएं, वाहनों की कतारें, सेवकों का झुंड, वस्त्र आभूषण, और ये सब तो है तो और हो, नहीं और तो है बहुत है, फिर बहुत और हो, तो पता ही नहीं कौन से लक्ष्य हैं। सत्यानुसारणी लक्ष्मी, श्री और लक्ष्मी अथवा सत्य साधन, उनका अनुगमन करते हैं जो सत्यनिष्ठ है। इस धरती पर धन उसी को मिला है, अक्षय, अकूत, अव्यय, अखंड, जो सत्यनिष्ठ है। इसे लक्ष्मी विष्णु का वरण करके उनके चरणों में बैठ गए। ब्रह्मा का प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं था, महादेव उन्हें स्वीकार्य नहीं थे, इंद्र आदि की उपेक्षा की, कोई बड़ी विभूति उन्हें आकर्षित नहीं कर सकी, कोई बड़े से बड़ा व्यक्तित्व उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया। वो सत्यनिष्ठ विष्णु के चरणों में बैठ गए। जतक क्रोध, जिसने क्रोध जीत रखा है, जतक काम, जिसने काम जीत रखा है, जितेंद्रिय प्रसन्न आत्मा, जो जितेंद्रिय वही प्रसन्न है, तो जो प्रसन्न आनना है, ऐसे नारायण जो विनीत हैं, जिनके पास सहसा विनय है, क्योंकि विद्या के बाद विनय आती है और विनय पात्रता का विकास करती है। विद्या विनय लेकर आती है, विद्या माने सत्य, ब्रह्म विद्या, श्री विद्या, विद्या प्रकाशन करेगी सत्य का और धर्म का।
इसलिए हमारा साधन सत्य हो। कठिन हो सकता है आरंभ में, सत्यम वद, ये आरंभिक उपदेश है। धर्मम चर, ये उपदेश है, आदेश है। अगर हम मनुष्य हैं तो ये पहला उपदेश है, सत्यम वद, हमारी जिह्वा पर सत्य रहे, आचरण में सत्य रहे, धर्म रहे, हम स्वयं को नियंत्रित करके रहें। ऐसे सत्य नारायण का अनुगमन करने लगी लक्ष्मी। त्यागानुसारणी कीर्ति, जिन्हें कीर्ति चाहिए, कीर्ति माने यश का विस्तार, वो त्याग करें अज्ञानता का, दुर्बलताओं का, ऐषणाओं का, जिनका नियंत्रण है ऐषणाओं पर, उन्हीं की कीर्ति है पूरे जगत में। हम में पहली ऐषणा वित्त की रहती है, साधन की रहती है, धनी बने, समृद्ध बने, क्योंकि इसी से सम्मान आएगा। हमें भ्रमित कर दिया है हमारे अज्ञान ने, हमारे अज्ञान ने हमें इतना भ्रमित किया है। हमारा ज्ञान कहता है कि बहुत धन होने पर ही सम्मान आएगा, जब तक समृद्ध नहीं होंगे तब तक सम्मान नहीं आएगा। सच मानिए, धन से सम्मान कभी नहीं आता, व्यक्ति धन से कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा तो व्यक्ति विचार से होता है, विचार बढ़ाए तो आप बड़े हैं, धन से आप बड़े नहीं हो सकते, चरित्र से ही व्यक्ति बड़ा होता है। त्याग करने से सम्मान आएगा, त्याग करने से, त्यागानुसारणी कीर्ति ही, तो त्याग किसका करना है? और आप तो हर पल त्याग कर रहे हैं, हर पल आप में त्याग है। आपने एक अच्छी श्वास ली और विषाक्त होकर वो श्वास कुछ पली तो रही, आप उसे त्याग रहे हैं। दो चीजें निरंतर आप में है, ग्रहण और त्याग। आप ग्रहण कर रहे हैं श्वास और त्याग रहे हैं श्वास, श्वास प्रश्वास। आप इनहेल और एक्सहेल, आप प्राण ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आप प्राण ले रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप ब्रीद कर तो रहे, सांस ले तो रहे। पहले आपने प्राण लिया, अब वो प्राण अपशिष्ट के साथ जुड़कर, अपवित्र होकर, निंदनीय होकर, हेय तयाज्य होकर, अग्राह्य और अमान्य होकर, अपूज्य होकर, अपवित्र होकर बाहर निकलना चाहता है। हमारी मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति स्वभाव और हमारी सत्ता में कोई हे वस्तु टिक नहीं सकती। हम में स्वभावतः किसी अपवित्र वस्तु को रखने का अभ्यास नहीं है। जीव का स्वभाव पवित्रता का ही है। हम पवित्र वस्तु के संग्राहक हैं, सुंदरता श्रेष्ठता के, पूर्णता के। चयन करने के लिए आपको जब कहा जाए चयन करो, तो आप अच्छी वस्तुओं का तो चयन करते हैं, अच्छे फल फूल शाक भाजी तरकारी धन धान्य रत्न आभूषण वस्त्र, ये कह दिया जाए कि सब चुन लो जो अच्छा अच्छा है। इस उद्यान के पुष्पों का चयन कर लीजिए, अब सूखे लेंगे, मलान लेंगे, कुमलाए हुए रसहीन पीतवर्णा पत्रों का चयन करेंगे आप, जो सूख गए, झर गए हैं, कुमला गए, जिनमें रस नहीं, गंध नहीं, सुगंध नहीं, मकरंद नहीं, जिनमें आभा प्रभा सौकर्यता सौरस्यता नहीं, गंधहीन पुष्पों का चयन करेंगे हम, नीरस फलों का, रसहीन फलों का। अगर ये कह दिया जाए कि चयन कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं चयन में, आप चुनाव कर लीजिए, चयन कर लीजिए, आपको क्या चाहिए जो है उसे ग्रहण कर लीजिए। आप नबी चाहें तब भी शरीर ग्रहण करता रहता है प्राण,
आपके कहने से नहीं, आपको तो याद भी नहीं रहता कि सांस लेनी है, आपको तो पता भी नहीं लगता, और आप किसी से ऐसा भी नहीं कहते जरा ठहरो कुछ थोड़ा सांस लेने दो, एक घंटे से सांस नहीं लिए ना, आप में सांस आ रही है और फिर जा रही है, जो जा रही है वो अपवित्र है, हे है मलमूत्र बनकर, श्वेद बनकर, रोग बनकर, जो असुचि है, अपवित्र है, अग्राही है, अमान्य है, जो मान्य नहीं हमारे शरीर मन को, हमारी इंद्रियों को, बाहर निकलता रहता है स्वतः, उसका हम त्याग कर रहे हैं। त्याग किसका कर रहे हैं? जो त्याज्य है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है, इसे त्याग करना सीखे। किसका? अज्ञानता का, आग्रहों का, पूर्वाग्रहों का, अपनी हठ और जिद का, अपनी मूढ़ मान्यताओं का, अपनी मूढ़ता का, जटता का, शरता शठता का, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को पराक्रम कहेंगे, और तभी आप विजेता बन सकते हैं। कि आपको यह पता हो कि यह आपकी दुर्बलता है, यह आपका सही अभ्यास नहीं है, यह आपकी सही आदतें नहीं है, इस प्रकार का अध्यास ठीक नहीं है, ऐसी प्रकृति स्वभाव ये ठीक नहीं है, जो आपने जीवन का ढंग बनाया है वो ठीक नहीं है, इसलिए एक दिव्य आदर्श जीवन में आए और उसका हम अनुसरण करें, तब वैसा होना हम चाहते हैं। गतानुगत को लोक, हम लौकिक प्राणी जितने भी हैं, हम एक दूसरे का अनुगमन, अनुसरण, अनुशीलन कर रहे हैं, हम वैसा होना चाहते हैं, वो जैसे वो है अनुगमन करना चाहते हैं। गतानुगत को लोक, इस लोक में एक दूसरे के अनुगमन, एक दूसरे के अनुसरण की होड़ है, ऐसा हम वैसे ही तो बन जाएं जैसे वो हैं। उनकी बड़ी मान्यता है, वे बड़े आदरणीय हैं, वे बड़े चर्चित और ख्यात हैं, वे बड़े रूपवान और बड़े महान हैं। जीवन में उन्नयन उत्थान उन्हीं का हुआ जिन्होंने आदर्शों का अनुसरण किया है, मूल्यों का, जिन्होंने मूल्यों का अनुसरण किया। सपन्था वही पंथ है, महाजनो येन गत सपन्थ। महापुरुष कहते हैं नाना भांति राम अवतारा, राम अलग 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 युग में अलग अलग मनमंत्रों में प्रकट हुए हैं, और भक्तों के द्वारा उनकी भावनाओं से भी, ऋषि मुनियों ने भी अलग ढंग से उनको प्रकट किया है, इसलिए उसे कवि कहा गया। जो राम को प्रकट कर सके, जो राम को पूरा समझ सके, तेने हृदय आदि कवय मुह्यंत यत सूर्य, उसे कवि कहते हैं जो उसकी कल्पना करते करते उसे पहचान जाए कि वो कौन है। तेने हृदय आदि कवय मुह्यंत यत सूर्य, आदि कवि ब्रह्मा ने उन्हें पहचाना था, और ब्रह्मा से फिर वाल्मीकि, इसे महादेव चल पड़े। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, संग सती जग जना
भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजै ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनिवर जबखानी राम कथा मुनिवर जबखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी राम कथा मुनि वर जिवखानी सुनी महेश परम सुख मानी एक बार त्रेता सगमध निध गमध निध सा एक बार